पटना की सड़कों पर यह रैली उस बीमारी के खिलाफ शंखनाद है जिसने बच्चों को प्रभावित किया है। बच्चों में होने वाली मानसिक बीमारी ऑटिज्म से लड़ने के लिए पटना के लोग सड़क पर आ गए हैं। विश्व ऑटिज्म दिवस के मौके पर शुक्रवार को सक्षम समाज कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। राजभवन से शुरू हुई इस प्रभात फेरी में समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। मंत्री मदन सैनी ने कहा कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के सहायता के लिए कई योजनाएं चल रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर यह रैली आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों का इलाज सही समय पर कराया जाए तो यह बीमारी बढ़ने से रोका जा सकता है। की ओर से समाज कल्याण विभाग की ओर से विश्व स्वपरायणता दिवस का आयोजन किया गया जिसके तहत आज हम लोग राजभवन भवन के सामने से सूचना भवन तक हम लोग प्रभात फेरी का कार्यक्रम करेंगे और इसके माध्यम से आज हम लोग लोगों के बीच में जन जागरूकता का संदेश देने का काम करेंगे कि जो इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं चाहे उसमें बच्चे हों या बड़े हों उनके प्रति लोगों का जो भावना है वह जागृत हो और उनको सहयोग का भावना रखें, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो और इस बीमारी का जो लक्षण है उसकी पहचान अगर परिवार के लोग माता पिता समय पर करते हैं तो आगे चल करके कई तरह के जो थेरेपी है जिसके माध्यम से ये समाप्त तो नहीं किया जा सकता है लेकिन इसको बढ़ने से रोका जा सकता है और अन्य बच्चों के तरह भी उनको समाज के अंदर में सुविधा मिले, उनको समानता का अधिकार मिले, लोग उनको प्रेम पूर्वक भाव से सहयोग करें, यही इस प्रभात फेरी का इस कार्यक्रम का जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य है और इसमें सभी लोगों का भागीदारी आवश्यक है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।